आप लोग टाइटल और थंबनेल से तो आइडिया लगा ही गए होंगे कि वो क्या है करके। सौरभ जोशी के लिए मैं जो चैलेंज दे रहा हूँ वो मिल रहे हैं सीधे सीधे, चाय पीते हैं उसके बाद में फिर आपको मिलते हैं। सो हे गाइस यार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और अभी सुबह के बज गए हैं 8:44 और आज टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग आइडिया लगाई गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। और बाकी आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, आज है 26 दिसंबर, आज हमारे एक छोटे भाई का बर्थडे, तो उससे पहले तो बर्थडे विश करते हैं, देन फिर आपको आगे की बात करते हैं कि ये जो टाइटल और थंबनेल जो लगाया आज मैंने, ये क्यों लगाया है, इसका भी एक मेन रीज़न है, लॉजिक है, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। पहले भाई को बर्थडे विश कर दें, देन फिर सारी चीज़ें बताते हैं आपको और आपसे कुछ बातें करते हैं, अगर सही होंगी तो आप कमेंट में जरूर से बताएं। देखिए ना, तो बात सुनो फिर। अरे यार ये क्या प्रोग्राम दिखा रहे हो, सही है। रेडी होके हम अपना निकल ही रहे थे भाई, बाइक में आ गई थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये देखो शायद ये तार निकल गया यार, प्रॉब्लम है भाई, मेजर इसके अंदर आता है ये, और ये तार कहीं से इसका कोई लिंक है वो हट गया है वहाँ से कुछ चीज, क्योंकि ये दोबारा ये भी चेंज करवाना है, ये भी चेंज करवाना है, तो इसे अभी पहले किसी दोस्त है उसे बुला के इसको पहले ठीक करा लूँ, फिर निकल रहा हूँ, फ़ोन कर लो। तो अभी बाइक ठीक हो गई है और हम निकल गए हैं अपने जो काम है उनके लिए। बाकी आज अंशु का बर्थडे है तो सब लोग अंशु को बर्थडे विश कर देना। ये ब्लॉग शाम को आएगा भाइयों, और शाम को आज से हमारे सारे ब्लॉग शाम को आया करेंगे। आज का वेदर चेक करो आप लोग, बड़ा ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, बिल्कुल भी बढ़ा के हम चला भी नहीं पा रहे हैं, और कोहरा देख रहे हो भाई साहब, ये मौसम हो फिर लाइटें वाइटें अपने इंडिकेटर भाइयों सब लोग अपने चला के रखो भाई, अगर फॉग है तो। वैसे मैं नहीं चलाता हूँ भाई, लेकिन ऐसे मौसम में मैंने भाई जला कर रखी है भाई, मेरी वजह से किसी और के या फिर किसी और की वजह से मेरे दुर्घटना बिल्कुल भी ना हो भाई किसी प्रकार की, क्योंकि ठंड में भाई बहुत चोट लगती है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा सेम टाइम पे मेरे कुछ ना कुछ हुआ था, तो मुझे अभी भी याद है भाई, ठंड लगती, ठंड में भाई चोट बहुत ज़्यादा लगती है, तो भाई अपना थोड़ा सा ध्यान रखो ठंड में, और थोड़ा कम ही निकलो बाइक भाई। तो अभी फिर चल के फिर आपको मिलते हैं, आज किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है वो बता रहे हैं आप लोगों को पहुँच। तो अभी हम लोग आए हैं छत पे एक रील शूट करने, और मंथन मेरी हेल्प कर रहा है ये ब्रो, तो जब तक ये वाली वीडियो आएगी रील मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ चुकी होगी, मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, इसको फॉलो कर लो, और इधर कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और बायो में भी डाल दूंगा, तो जाके आप लोग वो चेक कर लो। बाकी एक बार तब तक टाउन की वाइब चेक करो। बाकी आज का जो टॉपिक है वो है सौरभ जोशी के पर, तो आप लोग टाइटल और थंबनेल से तो आइडिया लगाई गए होंगे कि वो क्या है करके। सौरभ जोशी के लिए मैं जो चैलेंज दे रहा हूँ वो चैलेंज है मीटअप के लिए, क्योंकि सौरभ जोशी सारे काम करते हैं बस वो मीटअप नहीं करते हैं, तो उस टॉपिक पे अभी चल के नीचे ये ज़रा रील शूट कर लें, देन फिर आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि सौरभ जोशी के लिए पोक क्यों कर रहा हूँ मैं जान पूछ के। भाई हम भी सब्सक्राइबर हैं, हमारा भी मन करता है कि भाई सौरभ जोशी मीटअप करें, तो इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई अगर सुन रहे हो ना तो मीटअप रखो आप, और भाई हमें सबको मिलना होता है भाई, हल्द्वानी जाते हैं लड़के, मैं नहीं गया हूँ एक्चुअली, मुझे ज़्यादा मिलने में इंटरेस्ट भी नहीं सौरभ जोशी से, लेकिन मेरे यार दोस्त वगैरह जाते हैं तो वो मिल नहीं पाते करके, तो मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग जाएँ और जाके मिल के आएँ। तो एक सौरभ जोशी के लिए यही भाई ओपन चैलेंज है मेरा कि भाई सौरभ जोशी मीटअप रखें भाई, चाहे वो रिक्वेस्ट समझें, चाहे वो धमकी समझें, या चैलेंज समझें, जो समझें, फिलहाल उन्हें मीटअप रखना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो
तो प्लीज बताना भाई मुझे कि मैं एम आई राइट और रॉन्ग, तो इस चीज़ पर जरूर बताना। बाकी आप लोग एक बार टाउन की वाइब चेक करो तक, देन फिर हम रील बना के और फिर आपको नीचे चल के फिर बात करते हैं, क्योंकि अभी ठंड बहुत है यहाँ पे। बाकी एक बार आप ये भी कमेंट करना कि रोड कैसे हो गए हमारे नवाबगंज के। इसको आई बड़े प्यारे रोड हो गए, अभी धूप भी निकले आई है, अभी सूरज मामा भी प्रकट हो रहे हैं, तो इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी चल रहा है रील बना के नीचे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी, तो अभी थोड़े से काम से चले गए थे दोस्तों, फाइनली वापस आ गए। सैफ को बुलाया, सैफ आया तुरंत, बुलबुल से ये वाला ब्लॉग करके कंप्लीट कर रहे हैं। भाई कोहरा देख रहे हो आप लोग, कोहरा इतना ज़्यादा है भाई, कोई भी मत निकलो घर से। अभी चल के फिर तुरंत दिजेंद्र का केक कटवाना, एक चाय पीनी पड़ेगी, दैन उसके बाद में फिर पूरे डॉक्टर से भाई बात करेंगे। और बाकी टाइटल और थंबनेल जो था उसका, जो सीरियस सेट था, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये वाले वीडियो बनाने का मतलब क्यों है। तो चीज़ की सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी पहुँच के। तो अभी हम नवाबगंज पहुँच गए, रोड बहुत प्यारे प्यारे हो गए भाई यहाँ पे, का नाम भी ले लिया। बाकी भाई बहुत बढ़िया व्यू है, देख पा रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ रहा है भाई एक नंबर। और अभी चल रहे हैं भाई आराम से, चल रहे हैं बराबर घर, और दैन फिर आपको चल के फिर मिल रहे हैं सीधे सीधे, चाय पीते हैं उसके बाद में फिर आपको मिलते हैं। चाय सहारा है, चाय चाय सब कुछ है भाई, अगर चाय ना तो कुछ बेकार है यार, बेकार है भाई। चाय भाई सब लोग टाइम से चाय पीते रहो, बढ़िया चाय पीते रहो और बीनी भी पीते रहो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो भाई। फाइनली पहुंच गए हैं नवाबगंज और अभी घर जाना है। पहले तो दोस्त का बर्थडे, उसका जरा केक वेक कटवा दें फिर निकल जाएंगे घर। और बाकी भाई यही सीन है कि भाई ये मेरा चाहे तो चैलेंज समझ लो आप लोग, अगर कुछ लोग सौरभ जोशी को सब्सक्राइब किया हुआ, भाई मैं भी एक सब्सक्राइबर ही हूँ, बट इसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि भाई मेरा ये ओपन चैलेंज ही है कि भैया मीटअप रखो, क्योंकि वहाँ से मोर देन 20 पीपल मेरे जानने वाले जो कि मेरे नोन है, वो वहाँ से ऐसे लौट के आए हैं कि भाई उन्हें एक्सपोज वीडियो बनाई है सौरभ जोशी पे कि भाई बंदा सही नहीं है, मिलता नहीं है किसी से। भाई एक वीडियो तो ऐसी है कि भाई मैं दिखा दूंगा फिर बेकार ही है, मतलब सामने से ही भगाया गया उसे कॉलोनी में से, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है भाई। सौरभ जोशी भाई ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, नहीं है तो भाई सौरभ जोशी को टैग करो, वहाँ तक पहुँचो। अगर आप लोगों को भी देखना भाई, सौरभ जोशी का ही मीटअप तो बनता है। तो भाई ये मैं ज़्यादा कुछ भी बेल्ट बिलो द बेल्ट नहीं बोलूँगा, कुछ भी कोई हेट नहीं है, कुछ नहीं है भाई सौरभ जोशी भाई के लिए, बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए बढ़िया भाई। लेकिन बस वो ये है कि भाई मीटअप एक रखना चाहिए, यही चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं। तो भाई जब भी जिस दिन वो हो जाए भाई, न्यू ईयर के बाद में किसी भी दिन आप भाई मीटअप रख लो, हम आने के लिए तैयार हैं भाई, हमें भी मिलना है और हमें भी वीडियोस बनानी है, हमारे भी भाई देखो ब्लॉग डालने हैं हमें भी। तो भाई सौरभ जोशी भाई आप ये वीडियो देख रहे होगे तो प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना और वीडियो को देखना आप सही से, और बाकी बनाना एक वीडियो मीटअप के लिए कि भाई मेरा इस दिन मीटअप। आप इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी डाल दोगे ना तब भी लौंडे पहुँच जाएंगे, बस यही है कि अगर मीटअप सुबह में है तो शाम को स्टोरी डालो ताकि हम टाइम से पहुंच पाएं सब लोग। तो भैया इस चीज़ पे ध्यान देना, बाकी सौरभ जोशी भाई लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, कीप गोइंग एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वाला वीडियो ना इधर ही एंड करेंगे, क्योंकि भाई इस वाली वीडियो का कुछ ज़्यादा था नहीं, पूरा दिन का जो भी मेरा था। और एक चीज़ और सीन ये है कि आज से भी ब्लॉग बनाएंगे जैसे भी होगा, क्योंकि अभी हम ये बर्थडे के कटने के बाद हम निकल रहे हैं बरेली, तो कल वाला ब्लॉग शायद बरेली से स्टार्ट हो। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आज के बाद जितने भी ब्लॉग आएंगे वो शाम को आएंगे, अपना टाइम आप सेट कर लो, शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में किसी भी टाइम आ जाया करेंगे, डेली शाम को ही डालेंगे हम एक बार, क्योंकि सुबह का हमने देखा कुछ खास रिस्पांस था नहीं, दोपहर में भी डाले उसका भी कुछ रिस्पांस था नहीं, तो अभी ठंडा है बहुत ज़्यादा, अभी निकल रहा हूँ घर। अब डेली शाम को ब्लॉग आया करेंगे, तो आप टाइम सेट कर लो शाम को 7 बजे, किसी भी कंडीशन में अगर थोड़ी इनकेस हो गया तो 8 बजे तक ब्लॉग आ जाएंगे। अभी ठीक है, ये वाला ब्लॉग इधर ही एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपको कल वाली मस्त सी वीडियो में। तो स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते रहो एंड
टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी राइट, राइट सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, पीस आउट एंड बाय. Audio Jungle.